वायुमंडल और आयन मंडल रिमोट सेंसिंग। पृथ्वी का वायुमंडल और आयन मंडल हमारी छत है जो हमारे ग्रह को आगोश करे रखता है और ये जीवन को शामिल करने की अनुमति देता है। हमने कई वर्षों तक इससे परे देखने की कोशिश में बिताए थे, सितारों की ओर, मानो ये हवा के अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन आजकल हम जानते हैं कि कई मानवीय गतिविधियाँ वहाँ होने वाली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती हैं या प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन वायुमंडल की संपूर्ण चौड़ाई और गहराई पर सेंसर्स लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें इसे माध्यम से सीधा संपर्क किए बिना दूर से मापने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पृथ्वी के आयन मंडल और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ऑप्टिकल और रडार रिमोट सेंसिंग तकनीकियों को विकसित की है। दोनों जमीन से आसमान की ओर और अंतरिक्ष से एक अंतरिक्ष यान पर ले जाने के लिए ये मापे ओजोन परत के अपरदन जैसी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख तत्व है जो पराबैंगनी विकिरण के खिलाफ हमारी रक्षा करती है। रिमोट सेंसिंग अनुसंधान पृथ्वी के वायुमंडल के सभी स्तरों तक फैला हुआ है। ये वायुमंडलीय परतें पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर से लगभग 70 किलोमीटर तक फैली हुई ऊंचाई सीमा को तय करती है। उसके बाहर वायुमंडल बेहद शक्तिहीन है और अंतरिक्ष में कण गायब हो जाते हैं। रिमोट सेंसर्स हमें अनुमति देता है मापने के लिए वायुमंडलीय गैसें। ओजोन के कुल तत्व का माप स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्यमान भागों में ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर्स के लिए संभव हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्पों को भी उपयुक्त सेंसर्स के साथ मापा जा सकता है। बादले और वर्षा। रिमोट सेंसर्स के साथ हम बेहतर अवलोकन प्राप्त कर सकते हैं जो हमें बादलों के माध्यम से देखने की अनुमति देगा। जल वाष्प की या बारिश की दर, भारी से मध्यम वर्षा से लेकर हल्की बारिश की मात्रा को और बर्फ को मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण डेटा को मापता है। एरोसोल। बादलों के जलवायु प्रभाव का एरोसोल स्प्रे और वायुमंडल में निलंबित छोटे कण अध्ययन करने के लिए हम उनके ऊर्ध्वाधर वितरण को वर्णन करने के लिए लीडार को नियुक्त करते हैं। यह हमें अल्पकालिक मौसम और दीर्घकालिक जलवायु पूर्वानुमान के समर्थन में पृथ्वी के वातावरण की गतिशीलता और ऊर्जावन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तापमान और जल वाष्प। इसी तरह से हम सूर्य के प्रकाश को सूर्य के उगने से पहले या सूर्य के अस्त होने के बाद भी देखते हैं। रेडियो तरंगे भी वायुमंडल से यात्रा करते समय मुड़ जाती हैं। इस तरह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स द्वारा उत्सर्जित रेडियो सिग्नल्स अवसर के निरंतर तथाकथित संकेत प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग वायुमंडलीय तापमान और जल वाष्प के वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। निचला वायुमंडल। एक सोडार का उपयोग करना, जो एक विशेष सेंसर है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बजाय ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन करता है। हम वायुमंडल की निचली परत की ऊष्मा गतिकीय संरचना और जमीन से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा की गति को माप सकते हैं। एक प्रशिक्षु मौसम भविष्यवक्ता के रूप में आपको नियमित रूप से बादलों को देखना होगा कि उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाए। उनके शारीरिक रूप रंग में उपस्थाई होके अनिवार्य रूप से तीन मूल बादलों के प्रकार होते हैं। सिरस, जो एक स्ट्रीक बादल का पर्याय है। स्ट्रेटस, जो लैटिन से लिया गया है, एक स्तरित बादल में व्याख्या करता है। क्यूम्यूलस, जिसका अर्थ है ही बादल। बादलों को भी पृथ्वी की सतह के ऊपर उनके तल की ऊंचाई के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे विभिन्न संयोजन और नाम उत्पन्न होते हैं। अब आप एक भविष्यवक्ता के रूप में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार हैं। शुभकामनाएं।